देखिए जब हम पास्ट की बात करते हैं उसको ढूंढने के लिए रिसर्च होती है और वो ये रिसर्च यूनिवर्सिटीज़ के अंदर होती है आम तौर बुनियादी रोल दुनिया में जो पास्ट पे हुआ है कि आपने कहा जी इस मुल्क का पास्ट जो है कल्चर जो है सिविलाइजेशन जो है वो पाँच हज़ार साल तक जाती है ये वो चीज़ें हैं जो रिसर्च के ज़रिए ढूंढी जाती हैं और मुख्तलफ़ डिसप्लिन हैं जो इस पे काम करते हैं और दुनिया में यूनिवर्सिटीज़ ने या फंडिंग हुकूमत प्रोवाइड करती है तो जो इस इलाके का माजी पे जो रिसर्च हुई हुई है उस रिसर्च का जिसका अभी मैं तस्करा करूँगा वो बुनियादी तौर पर या तो यूनिवर्सिटीज़ में हुई है ना सिर्फ यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ बल्कि दुनिया की और मतलब अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ हैं ब्रिटिश यूनिवर्सिटीज़ हैं जर्मन स्कॉलर्स हैं जिन्होंने पाकिस्तान के जो पास्ट पे काफ़ी काम किया है यानी यहाँ आके रिसर्च की और उसके बाद फिर उन्होंने लिखा जो बाद में हम तक पहुँचता है तो यूनिवर्सिटीज़ का एक बड़ा अहम किरदार हो जाता है रिसर्च के लिए हिस्ट्री पे एंथ्रोपोलॉजी पे, आर्कियोलॉजी पे, तो जब हम पाकिस्तान के इलाकों की हिस्ट्री की बात करते हैं तो आमतौर पे हम इसको चार बड़ी फेजेस में तकसीम करते हैं थोड़ी सी जरा बात जनरल नॉलेज की हो जाए जो आपके काम आ सकता है ज़िंदगी में और जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में जाएंगे उस वक्त ज़्यादा ये चीज़ें काम आती हैं कि जब हम सारी हिस्ट्री को करते हैं तो आम तौर पे हिस्ट्री को फेज़ में यानी पार्ट्स में तकसीम कर लेते हैं और वो अपनी सहूलत के लिए इसका मतलब ये नहीं है कि हिस्ट्री पार्ट्स में टुकड़ों में होती है हिस्ट्री टुकड़ों में नहीं होती हिस्ट्री एक तसलसल है वाकयात का एक तसलसल है इवेंट्स का लेकिन हम अपनी सहूलत के लिए अपनी समझ को बेहतर करने के लिए बात करना शुरू कर देते हैं जी चार फेजेस हैं पांच फेजेस हैं या छह फेजेस हैं वो हम अपनी सहूलत के लिए बनाते हैं इसका मतलब हिस्ट्री को इस तरह हम तकसीम नहीं करते लेकिन जो फेजेस की बात है उसमें हम चार फेजेस की बात करते हैं जिसका इम्पेक्ट हमें आज नज़र आता है पाकिस्तान के ऊपर पहली जो है उसको हम कहते हैं एंशंट और प्री इस्लामिक इंडिया यहाँ इंडिया से मुराद प्री 1947 इंडिया है कि प्री एंशंट एंड प्री इस्लामिक इंडिया उस दौर की कुछ बातें हैं जिनका थोड़ी सी बातों का मैं तस्करा कर दूंगा ताकि ये चीज़ समझ में आ जाए आपको uh, एक तो हो गया एनशेंट एंड प्री इस्लामिक इंडिया सेकंड जो जिसका इम्पेक्ट है आज भी वो है मुस्लिम पीरियड इन इंडिया मुसलमानों ने रूल किया है हिंदुस्तान के ऊपर वो क्या पीरियड था और उसका क्या इम्पैक्ट है मुसलमानों की सोच पे उनकी साइकी पे क्या इम्पैक्ट है इसकी हम बात करेंगे तीसरा जो जिससे हम फेमिलियर हैं आम तौर वो ये है कि इस इलाके पर ब्रिटिश ने रूल किया है ब्रिटिश कलोनियल पीरियड है पहले यूरोपियंस आए अल्टीमेटली बर्तानिया ने कब्जा कर लिया और फिर वो 1947 तक जो है इस सरजमीन पर हुकूमत करते रहे यानी आज का हिंदुस्तान आज का पाकिस्तान बांग्लादेश इवन श्रीलंका वो भी ब्रिटिश कंट्रोल में था और बर्मा म्यांमार जिसकी आप आजकल खबरें रोहिंग्या मुसलमानों के बारे में पढ़ते हैं बर्मा या मानमार जो है ये भी बरतानिया के जेर तसल्लु था और फिर इनको इंडिपेंडेंस मिलनी शुरू होती है 1947 से पाकिस्तान और इंडिया इंडिपेंडेंट हुए फ़रवरी 48 में श्रीलंका इंडिपेंडेंट हुआ और फिर बतदरीज ये सारे के सारे मुल्क जो हैंदा हो गए फिर जो आखिरी चीज़ जो इन्फ्लुएंस करती है माजी की वो है आपकी इंडिपेंडेंस मूवमेंट तहरीक आज़ादी जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि तहरीक आज़ादी ने आपके अंदर एक कौमी शनाख्त पैदा की एक कौमी सोच और कौमी फ़िक्र पैदा की जिस कौमी सोच और फ़िक्र से पाकिस्तान बनता है तो लिहाजा चौथा बड़ा इन्फ़्लूस जो है वो आपको नज़र आता है इस दौर के अंदर जो ये तहरीक आज़ादी या तहरीक क़्याम पाकिस्तान से आपको ये चीज़ें मिलती हैं चंद एक बातें मैं आपको पहले पीरियड की कह दूँ ताकि थोड़ा सा आपको उसका आइडिया हो जाए ज़्यादा तफसील में हम नहीं जाएँगे उसके लिए देखिए जब हम बात करते हैं ना एंशेंट इंडिया की तो उसमें आपको ये मालूम करके खुशी होनी चाहिए कि एंशंट इंडिया को क्रिएट करने में उस इलाके का बहुत बड़ा रोल है जो आज पाकिस्तान है इस इलाके में जितनी रिसर्च हुई है अब तक उसकी बुनियाद पे जो ओल्डस्ट आपको पुराने ज़माने के चीज़ें मिली हैं वो या तो आपको मिली हैं बलूचिस्तान के अंदर जो आज का बलूचिस्तान है उसमें एक मेहरगढ़ का इलाका है जिसमें हज़ारों साल पुराने घर और इस किस्म की चीज़ें मिली हैं तो यानी जब हम ओल्ड हिस्ट्री की पूरे सब कॉन्टीनेंट की ओल्ड हिस्ट्री की बात करते हैं तो हम कहाँ जाते हैं बलूचिस्तान में बलोचिस्तान में आपको मेहरगढ़ का एक मुकाम है जहाँ ये चीज़ें मिलती हैं और उसके बाद जो सबसे ज़्यादा जिसको शहरत मिली है आलमी सतह पर जिसपे सबसे ज़्यादा रिसर्च हुई है वो है आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंध के जो इलाके की जो तहजीब है और ये बहुत पुरानी तहजीब है और इस पर जो है काफ़ी काम हुआ है अच्छा ये भी जो है ना उसी इलाके में है जो आज पाकिस्तान है बल्कि ये जो हम कहते हैं ना इंडस वैली सिविलाइजेशन इसका जो इम्पेक्ट है इसका इम्पेक्ट इसका इम्पेक्ट जो हमें नज़र आता है वो ये है कि जो दरियाए सिंध है उसके दोनों तरफ का इलाका खासकर जो उसके मशरक़ का इलाका है जिसमें हम हैं मशरक़ का इलाका और इसका असर जाता है आज कल के ज़माने के दिल्ली तक ये वो एरिया है जिस पर हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन का असर हमें नज़र आता है यानी पाकिस्तान का मौजूदा इलाका जहाँ इस वक्त हम बैठे हैं खड़े हैं और ये इम्पेक्ट जो है आपको मौजूदा दिल्ली तक जो है वो नुमाया नज़र आता है फिर ये इम्पेक्ट आगे जाएं दिल्ली को जब हम क्रॉस करते हैं तो ये फिर वहाँ असर हमें बहुत ही जो है वो कम नज़र आता है बल्कि यानी इंटरेस्टिंग बात ये है कि सबसे पहले जो काम शुरू हुआ वो हड़प्पा में हुआ था जो साहिवाल के करीब है हड़प्पा में हुआ जो ब्रिटिश ने किया 1921 में और महंजर सिंध यहाँ हैं असल जो हेरिटेज आपको मिलती है उस जमाने की आ, तो आ, इस लिहाज से आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान की सरजमीन की जो सिविलाइजेशनल हिस्ट्री है वो इतनी पुरानी है कि दुनिया में इंडस वैली सिविलाइजेशन को दुनिया की कदीम तरीन तहज़ीबों में से एक तहज़ीब समझा जाता है और वो उसका मम्बा कहाँ है उसका मम्बा पाकिस्तान में है असरात हिंदुस्तान तक चले गए हैं इसी तरह आप में से जिन्होंने स्कूलों में ये पढ़ी हैं चीज़ें आर्याओं का एक दौर था यहाँ पे अगेन मैं इसकी तफसील में नहीं जा रहा वो भी एक हम बात कर रहे हैं पुराने ज़माने की और इसमें मुख्तलफ जो हैं हिंदुओं महाराजों राजों और महाराजों का दौर है लेकिन हमारे लिए जो सबसे ज़्यादा अहम जो दौर वो बनता है वो बनता है जो कि हम जिसको हम मुस्लिम पीरियड जो है वो कहते हैं मुस्लिम पीरियड से हमारी मुराद ये है कि इस्लाम इस इलाके में कब इंट्रोड्यूस होता है इस्लाम इस इलाके में किस तरह पहुंचता है तो उसमें दो रूट्स हमें नज़र आते हैं सबसे पहले जो हमें इस्लाम का जो इम्पेक्ट नज़र आता है इस इलाके में वो ये हैं अरब ट्रेडर्स अरब बिजनेसमैन मैन यहाँ आना शुरू होते हैं बहुत पहले की बात है और अरब बिजनेसमैन मैन इनिशियली जो आए हैं वो जो हिंदुस्तान में गुजरात स्टेट है पाकिस्तानी गुजरात की हम बात नहीं कर रहे हिंदुस्तान में गुजरात स्टेट चूँकि समुंदर से जाके मिलती है तो उस ज़माने में कश्तियों में ही लोग सफ़र करते थे तो अरब मुसलमान ताजर जो हैं यहाँ आते हैं और उससे मगरबी हिंदुस्तान में इस्लाम जो है लॉन्च होता है इंट्रोड्यूस होता है फिर उसके कुछ अर्से के बाद हम देखते हैं मोहम्मद बिन कासिम की आमद है और फिर जो ज़्यादा मुसलमानों का इन्फ्लुंस आता है वो सेंट्रल अफ़ग़ानिस्तान सेंट्रल एशिया यानी आज का जो आपका खैबर पख्तूनखा है असल रूट जो था वो तुर्की का इन्फ्लुएंस है ईरान का इन्फ्लुएंस है लेकिन ये ज़्यादा सफ़र जो है सेंट्रल एशिया से अफ़ग़ानिस्तान अफ़ग़ानिस्तान से पाकिस्तानी मौजूदा इलाका फिर यहाँ से आगे हिंदुस्तानी इलाका मौजूदा हिंदुस्तान शुरू होता है फिर उधर की तरफ जो है वो सफ़र जो है शुरू होता है सूफिया कराम तशरीफ़ लाए जो आपके यहाँ सूफ़ी ट्रेडिशन है पाकिस्तान में बल्कि पूरे बर सीर में हिंदुस्तान में भी पाकिस्तान में भी इवन बांग्लादेश में भी जो सूफ़ी ट्रेडिशन है जो मुल्तान सूफ़ी ट्रेडिशन का एक बहुत बड़ा गढ़ है जो आपकी ये सूफ़ी ट्रेडिशन है ये सूफ़ी ट्रेडिशन चली जाती है इस ज़माने में जिसको हम मुस्लिम पीरियड कहते हैं और फिर मुस्लिम पीरियड का हम ये देखते हैं कि यहाँ मुस्लिम हुकूमतें बनी जिसमें मुसलमान के मुतिक हम ये कह सकते हैं कि दिल्ली के सुल्तान मशहूर हुए कई रूलर्स थे जिन्हें दिल्ली के सुल्तान के नाम से सुल्तान ऑफ़ दिल्ली के नाम से याद किया और सबसे बड़ी जो मुस्लिम एम्पायर यहाँ गुजरी है वो मुगलिया है जिससे आप फेमिलियर हैं जिसका कल्चरल इम्पेक्ट आज भी आपको हिंदुस्तान और पाकिस्तान में मिल जाता है मुगलिया सल्तनत का तो ये वो मुस्लिम कंट्रीब्यूशन है जो कि हिंदुस्तान की सिविलाइजेशन में मुसलमानों ने किया आर्ट और आर्किटेक्चर में मसलन मुगलिया दौर में आर्ट और आर्किटेक्चर को बहुत फ़रोग हुआ उस आर्ट और आर्किटेक्चर को आज भी पूरी दुनिया में रिकगनाइज़ किया जाता है कि ये अपने अपनी नौियत का एक आर्ट है इसी तरह मसाजिद का जो आर्ट है अगर हम आज मसाजिद के आर्ट को स्टडी करें तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये मुगलिया दौर में काफ़ी हिंदुस्तान में परवान चढ़ा इसीलिए आपको बहुत से स्ट्रक्चर जो यहाँ मिलते हैं पाकिस्तान में मुगलिया के अगर आप सेंट्रल एशिया में चले जाएं, उजबकिस्तान में चले जाएं, तुर्कमेनिस्तान में चले जाएं, यहाँ से होते हुए आप ईरान से होते हुए तुर्की पहुँच जाएँ तो आपको जो इस्लामिक आर्किटेक्चर है उसमें तसलसल नज़र आएगा एक कॉन्टीन्यूटी आपको जो है वो नज़र आती है गुम्बद किस तरह बनते हैं मिनरट्स किस तरह बनते हैं मीनार किस तरह बनते हैं ये तसलसल आपको सेंट्रल एशिया से होता हुआ तुर्की तक जो है वो नज़र आता है ये साबित करता है उस रिश्ते को उस ताल्लुक़ को उस रबते को जो इन सब मुसलमान इलाक़ों में था और वो जो कि हमारी हेरिटेज का हिस्सा जो है वो बन जाता है वक्त के साथ साथ फिर तीसरा फैक्टर जो है मुसलमान पीरियड के अलावा यूरोप या ब्रिटिश का रूल जो है देखिए पाकिस्तान और हिंदुस्तान बांग्लादेश भी कह लें श्रीलंका भी कह लें यहाँ पे जो अदारे बने हैं वो असल में ब्रिटिश दौर से आए हैं यानी आप ये कह लीजिए कि पाकिस्तान में ब्यूरोसी का तस्वर एक प्रोफेशनल ब्यूरोसी कंपटीशन के जरिए ब्यूरोसी का यही है ना कि कंपटीशन होता है सी एस एस का आपके यहाँ एग्ज़ाम होता है उस एग्ज़ाम में लोग पास हो के सी एस एस से, सेंट्रल सुपीरियर सर्विसज में जाते हैं पोस्टिंग्स होती हैं ये जो तस्वुर है कि ब्यूरोसी में मुकाबले के इम्तहान से भर्ती की जाए इस तसवूर का आगाज़ ब्रिटिश ने किया था हिंदुस्तान के अंदर इसी तरह प्रोफेशनल मिलिट्री का तस्वुर वरना अगर आप माजी में जाएंगे तो होता ये था कि जो इम्पोर्टेंट सरदार होते थे इलाकों के इंचार्ज होते थे वो बादशाह को फ़ौज मुहैया करते थे जब बादशाह को फ़ौज की ज़रूरत होती थी लेकिन ये तसुर के एक प्रोफेशनल स्टैंडिंग आर्मी होगी जो रियासत के मातहत होगी किसी बादशाह के तहत नहीं होगी किसी सरदार के तहत नहीं होगी या किसी गवर्नर इलाके के गवर्नर के तहत नहीं होगी बल्कि स्टेट के अंडर होगी जिसे हम मॉडर्न प्रोफेशनल मिलिट्री कहते हैं ये तस्वुर भी आपके यहाँ ब्रिटिश ने कायम किया और फिर ये इनहेरिट किया पाकिस्तान ने इनहेरिट किया इंडिया ने इनहेरिट किया तो आपका लीगल सिस्टम अदालती निज़ाम लीगल सिस्टम कोड्स प्रोसीजर्स ये सारे हमने 47 में इनहेरिट किए हैं तो ये भी आपके इनहेरिटेंस है कि कुछ चीज़ें हमने वो चलाई हैं जो कि ब्रिटिश की हैं और आज तक बहुत सी चीज़ें उसी तरह चली आ रही हैं और बार दफ़ा आपको अखबारों में लिखा हुआ मिलेगा कि फ़लाँ एक्ट नाइनटीन टेन का फलाँ एक्ट इसका मतलब सिर्फ़ ये होता है कि पहली दफ़ा ये कानून 1910 में बना उसके बाद इसमें तब्दीलियां होती रही क्योंकि उन्नीस सौ दस का कानून आज तक एज इट इज नहीं चलता उसमें बदलता रहता है लेकिन प्रॉब्लम लीगल प्रॉब्लम ये होती है कि उसका असल टाइटल आप चेंज नहीं कर सकते सो नाइन फ्ला एक्ट ऑफ नाइनटीन टेन एज अमेंडेड तो वो ये चीज़ें भी आपने वहां से जो है वो हासिल की तो ब्रिटिश का इम्पैक्ट आपके यहाँ आज तक मौजूद है आपका जो प्रेजेंट डे स्टेट स्ट्रक्चर है वो कॉलोनियल दौर में बना था यानी गैर मुल्की दौर में बना और इसी तरह जो है वो हिंदुस्तान का बना है और आखिरी इन्फ्लुएंस जो है वो आपको नज़र आता है आपकी तहरीक आज़ादी का कि मुसलमाना ने बर सग़ीर ने अपने अपने तश्स की हिफाजत के लिए अपने हकूक़ की हिफाज़त के लिए और अपने जो हैं ज़रूरियात की प्रमोट करने के लिए सियासी जदोजहद का आगाज़ किया और इब्तदान तो ये सिर्फ़ स्ट्रगल थी हकूक़ की तशख़ की आइडेंटिटी की मुस्लिम आइडेंटिटी की स्ट्रगल थी और फिर ये एक आज़ाद ममलिकत का मुतालबा बनी कि हम में मुसलमान बर सग़ी के एक कौम है और बतौर एक कौम उन्हें एक एकदा मुल्क मिलना चाहिए ये है आपका जिसकी बुनियाद पे पाकिस्तान बनता है यानी जिसको हम टू नेशन थेरी कहते हैं कि बर सग़ीर में एक कौम नहीं कम से कम दो कौमें आबाद हैं और मुसलमान कम्युनिटी नहीं हैं बल्कि एक कौम है और एक कौम की हैसियत से मुल्क चाहते हैं यह है आपकी मुतालब पाकिस्तान की बुनियाद जिसको हम टू नेशन थेरी कहते हैं और ये सारी चीज़ें आपको तहरीक आज़ादी के उस दौर से मिली जिसमें हम सब शामिल थे तो इस तरह आप ये कह सकते हैं कि जब अगर हमने आज को समझना है बेहतर तरीके से तो एक हमें एक वसी अंदाज़ में एक वसी जहन के साथ और जहाँ तक रिसर्च ने आपकी मदद की है उसकी रोशनी में माजी को समझना ज़रूरी है लिहाज जब आप माजी को समझते हैं और खुले दिमाग से माजी को समझते हैं तो आपको मौजूदा दौर को समझना मौजूदा दौर में क्या कामयाबियां हैं मौजूदा दौर में क्या मुश्किलात हैं या नाकामियां हैं उनको समझना आसान हो जाता है इसीलिए किसी माशरे को समझने के लिए उसके तहजीब तमदन और उसके इर्ता को समझना ज़रूरी होता है इसीलिए हम पाकिस्तान के जो हिस्ट्री के इर्तका को पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं और ये बताने की कोशिश करते हैं कि ये एक ऐसा माशरा है जिसकी बुनियाद पीछे तक जाती है और इसके अंदर एक डाइवर्सटी है यानी हम एक लाइन की बात नहीं कर रहे हैं बल्कि मुख्तलिफ़ इलाक़ों में मुख्तलिफ किस्म के कल्चर्स डेवलप होते हैं मसलन ज़ुबानें हैं आपके यहाँ बहुत ज़ुबानें कई ज़ुबानें बोली जाती हैं चार पाँच तो हम बड़ी ज़ुबानें समझते हैं पाँच छः जो हैं बड़ी ज़ुबानें समझते हैं लेकिन उसके अलावा छोटी छोटी ज़ुबानें भी ऐसी ज़ुबाने भी हैं जो आप नॉर्थ नॉर्दर्न एरियाज़ में चले जाइए गिलगत बल्तिस्तान में चले जाइए वहाँ कुछ ऐसी ज़ुबानें हैं जो एक या दो डिस्ट्रिक्ट में चलती हैं यानी वो ज़ुबानें वक्त के साथ फौत हो जाती हैं होता ये है कि जो ज़ुबान ज़्यादा बोली जाए जो ज़ुबान बिजनेस के हवाले से हो जो ज़ुबान तालीम के हवाले से हो वो ज़ुबान ज़िंदा रहती है तो आपके यहाँ छः सात बल्कि बड़ी ज़ुबानें हैं बाकी छोटी ज़ुबानें ये सब आपकी कल्चरल डाइवर्सिटी को जो हैं वो इंडिकेट करती हैं ज़ुबानों के अलावा डायलेक्ट्स होते हैं बोलने के अंदाज़ होते हैं पाकिस्तान में अगर आप ट्रैवल करें तो हर को पचास साठ मील के बाद ज़ुबान चाहे वही हो उसका बोलने का अंदाज बोलने के जो फ्रेज़ज हैं जो अल्फाज हैं वो बदलना शुरू हो जाते हैं और ये कोई हैरानी की बात नहीं है ना ही कोई परेशानी की बात है ये प्रोसेस आपको हर मुल्क में बड़े मुल्क में नज़र आता है कि वक्त के साथ और फासले के बाद जो है ये चीज़ें जो है डिफरेंट हो जाती हैं सिर्फ फ़र्क ये पड़ा है कि मॉडर्न मीडिया के आने से अब हमें इन बातों के बारे में ज़्यादा पता है जब ये मॉडर्न मीडिया नहीं था उस ज़माने में यानी एक वक्त ये भी था कि टेलीविज़न नहीं था पाकिस्तान में नवंबर 1964 में पाकिस्तान में टेलीविज़न स्टार्ट होता है लाहौर का टेलीविज़न स्टेशन पहला टेलीविज़न स्टेशन था नवंबर 1964 में तो आप उससे पहले का ज़माना देख सोचें उस ज़माने में रेडियो ही हुआ करता था रेडियो भी सिर्फ एक रेडियो पाकिस्तान ही होता था अब तो खैर वो एफ के बड़े रेडियो म्यूज़िक चला रहे होते हैं इसी तरह प्राइवेट सेक्टर की चैनल्स आपके यहाँ इतनी हैं कि आप देख ही नहीं सकते उनको तो ये इससे फ़र्क ये पड़ता है कि बहुत सी इन्फॉर्मेशन ज़्यादा फैलती हुई हमें अब नज़र आती है लिहाजा इस कॉन्टेक्स्ट में जब अवेयरनेस नॉलेज इन्फॉर्मेशन ज़्यादा है तो आपके लिए भी लाजिम हो जाता है कि आप अपने माजी को समझें माजी को लिंक करें प्रेजेंट से ताकि अगर आपको बैन अवी सतह पर गुफगू करनी हो इंटरनेशनल इंटरेक्शन आपको डेवलप करना है तो उसके लिए लाजिम हो जाता है कि आप अपनी तारीख को तफसील के साथ समझते हों ताकि बात करने में आसानी हो इसी तरह आपको और मुल्कों की तारीख मिलेगी मसला अमरीका को ले लें तारीख़ी लिहाज से अमरीका कुछ ज़्यादा लंबी उम्र नहीं रखता इनमें सतारह में इंडिपेंडेंस मिलती है और फिर उसके आप बीस पच्चीस साल पीछे चले जाएँ उसके बाद तो उस सरजमीन में रेड इंडियंस थे ये लोग तो यूरोप से आए थे तो उनकी तारीख आप कह लें आप ढाई सौ या तीन सौ साल से ज़्यादा आगे नहीं जाती लेकिन उन्होंने उस पर रिसर्च करके काम करके इतना लंबा चौड़ा एक एकेडमिक इमारत खड़ी कर दी है म्यूजियम्स क्रिएट कर दिए हैं देखिए ना म्यूज़ियम्स क्यों अहम होते हैं म्यूजियम इसलिए अहम होते हैं कि आप वहाँ जाके देखते हैं अच्छा ये बुद्ध मत का दौर था इस ज़माने में अगर आप रावलपिंडी से आगे चले जाएँ तो आपको वहाँ बुद्ध मत के बहुत सी चीज़ें मिलती हैं तो लाहौर का म्यूज़ियम देखें टेक्सला का म्यूज़ियम देखें पेशावर का म्यूज़ियम देखें वहाँ आपको बुद्ध मत के दौर के बहुत सी चीज़ें मिलती हैं बल्कि जो ईस्ट एशिया से लोग आते हैं ईस्ट एशिया के ममालिक में बुद्धज़म सबसे ज़्यादा है जब वो लोग आते हैं पिशावर में या टेक्सला में आते हैं तो वो इस इलाके के दौरे मजहबी अकीदत के साथ करते हैं हम तो सिर्फ हिस्ट्री के तौर पर जाके ये चीज़ें देखते हैं बुद्ध मत की चीज़ें हिस्ट्री के तौर पर लेकिन जब बुद्ध मत का फॉलोअर कहीं से आता है ईस्ट एशिया से कोरिया से थाईलैंड से जापान से तो वो सिर्फ हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखता वो वजहबी अक़ीदत से देख रहा होता है तो इसलिए भी जो है अहमियत हो जाती है अब इसमें मैं आपसे बात करना चाहता हूँ जिससे जिसके लिए बाद में हम सवाल जवाब का सेशन करेंगे कि जो सारी गुफ्तु हुई है कल्चर की हेरिटेज की किस तरह हेरिटेज वक्त के साथ बनती है किस तरह हेरिटेज आपके लिए अहम है उसमें बार बार जोग्रफ़ी का ज़मीन का जिक्र आया है कि हम किसी सरज़मीन की बात करते हैं पाकिस्तान सरजमीन भी है पाकिस्तान लोग भी है पाकिस्तान हिस्ट्री भी है पाकिस्तान कल्चर भी है ये पहलू हैं शख्सियत के जो हम या आइडेंटिटी के जो पाकिस्तान की आइडेंटिटी है लेकिन एक चीज़ जो समझना ज़रूरी है कि जो इंसान जो क्रिएट करता है चीज़ें जिस तरह आप भी काम कर रहे हैं यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं बेक डिग्री हासिल करनी है मेहनत कर रहे हैं काम कर रहे हैं सब के सब किसी सरज़मीन पे काम करते हैं एक ज़मीन से ज़ोग्राफी से रिश्ता होता है क्योंकि जब हम बात करते हैं नेशन स्टेट पाकिस्तान एक कौमी रियासत पाकिस्तान एज ए नेशन स्टेट उसमें जहाँ लोगों का तस्करा है क्योंकि पाकिस्तान लोग हैं लोगों से ही पाकिस्तान बनता है तो वो लोग जो पाकिस्तान बनाते हैं वो तो किसी सरजमीन पे तो रहते हैं ना सरजमीन है पाकिस्तान की जिस पे वो रहते हैं लिहाजा जो नेशन का तस्वुर है उसका ताल्लुक सरजमीन से होता है क्योंकि कहीं ना कहीं तो उस नेशन ने जो है वो रहना है या तो उनके कब्ज़े में ज़मीन होती है या उनकी ख्वाहिश होती है कि कोई सरज़मीन उनके पास हो जिसपे उनकी अपनी हुकूमत हो जिन पे उनका अपना इकतदार आला हो जिनको जो ज़मीन आपके कंट्रोल में एक ख्वाहिश होती है मसलन मतलब 1947 से पहले मुसलमानों का मुतालबा था कि ये इलाके जो भी उन्होंने इलाके आइडेंटिफाई किए इन इलाके में पाकिस्तान बनना चाहिए आज की अगर आपने कोई मिसाल देनी है कि सरज़मीन की ख्वाहिश कौम के तस्वूर के हवाले से तो फलस्तनीों की मिसाल आपके सामने मौजूद है फलस्तनी एक कौम है अच्छा और उनके यहाँ ये तसुर है कि उनका मुल्क होगा और कुछ कंट्रोल है लेकिन मुकम्मल कंट्रोल नहीं है लेकिन उसका ताल्लुक जो है ना वेस्ट बैंक और गज़ा से है वो समझते हैं कि ये वो सरज़मीन है जहाँ एक दिन उनकी सावरन स्टेट बनेगी इसका मतलब ये हुआ कि रियासत के तस्वुर के साथ ज़मीन का तस्वर होता है चाहे वो ज़मीन आपके कंट्रोल में है या आप कोशिश कर रहे हैं कि वह आपके कंट्रोल में चली जाए फिर एक और जो आपको ये समझना ज़रूरी है कि मैंने गुफ्तु में कहा कि इंसानों का इंसानों से जो इंटरेक्शन होता है उससे कल्चर और सिविलाइजेशन पैदा होती है और वो किसी ख़ास सरजमीन में होता है ठीक है ज़मीन की अहमियत इस तरह बनती है कि वो खास सरज़मीन में होता है लिहाजा उस सरजमीन की जो नोयत है वो लोगों की हैबिट्स पे, लोगों के लिविंग स्टाइल पे, लोगों के फूड पे असर अंदाज़ होती है मैंने पहले ये बात कही है कि जो सरजमीन हमें देखना होता है कि बुनियादी तौर पर ये एग्रीकल्चर की आप बात कर रहे हैं या आप बात कर रहे हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन की पहाड़ी इलाके में रहते हैं लिबास उनका मुख्तलफ होगा मुल्तान में रहते हैं ज़्यादा वक्त गर्मी होती है लिबास का एक ख़ास अंदाज है गर्मी से मुकाबला करना है जहाँ होती ही ठंड है ज़ाहिर है वहाँ मुल्तान वाला लिबास तो नहीं पहना जा सकता ना जहाँ हर वक्त ही साल के बारह महीने में से नौ महीने दस महीने ठंड रहती हो और बर्फ़ पड़ती हो ज़ीरो से नीचे टेम्परेचर हो तो वहाँ का जो सरज़मीन है वो इन्फ्लुएंस करेगी बहुत सी च्इसेस ज़िंदगी की जो आपने करनी होती हैं लिहाजा ज़मीन को और उसके माहौल को समझना जो है वो ज़रूरी होता है फिर आप देखिए जब पाकिस्तान की डिमांड की गई 1947 से पहले तो सरजमीन की बात की गई कि ये जो मुस्लिम मजॉरिटी इलाके हैं हिंदुस्तान में मुस्लिम मजारटी प्रोविंसेस हैं जो ब्रिटिश इंडिया के अंदर उन पे मुश्तमिल पाकिस्तानी रियासत को कायम किया जाएगा ये मुतालबा था अगेन रियासत को कायम करने के लिए आपने जो है वो जोग्रफ़ी की बात की कायद अज़म चाहते थे कि पूरा पंजाब और पूरा बंगाल पाकिस्तान में शामिल हो ये पाकिस्तान का तहरीक पाकिस्तान का मुतालबा था और ख्वाहिहिश थी लेकिन ऐसा नहीं हुआ पंजाब भी तकसीम हुआ फोर्टी में और बंगाल भी तकसीम हुए वो उसकी वजूहत हैं जो आज के मौजू से हट जाती हैं और इसी तरह पाकिस्तान की अगर आप जोग्राफ़ी को देखें वो इसलिए अहम हो जाती हैं पाकिस्तान की जोग्राफिक जो लोकेशन है कि पाकिस्तान कनेक्ट करता है मुख्तलिफ रीजन्स को आप नक्शा ज़रा पाकिस्तान का जहन में रखें पाकिस्तान कनेक्ट करता है मुख्तलिफ रीज़न्स को जो बड़े अहम हैं अगर आप पाकिस्तान के वेस्ट में चले जाएँ तो आपको ईरान और मिडलीस्ट मिलता है अहम रीजन है उसके साथ गल्फ़ रीजन आपको मिल जाता है ज़रा साइड में अगर आप ऊपर जाते हैं तो फिर आप अफ़ग़ानिस्तान और सेंट्रल एशिया तो सेंट्रल एशिया को लिंक करते हैं जो उन्नीस सौ इक्यानवे में सोवियत यूनियन ख़त्म हुआ तो वो आज़ाद हुए मुसलमान सारे के सारे सेंट्रल एशिया की जो रियासतें हैं मेजॉरिटी मुसलमान पापुलेशन है, है उनमें नीचे आए तो आपको ईस्ट में नॉर्थ ईस्ट में चाइना का जो रीजन है शिनजियांग प्रोविंस वो मिलता है उससे नीचे आए तो इंडिया और साउथ एशिया से कनेक्शन आपका मिलता है तो इस तरह आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान कनेक्ट करता है चार बड़े रीजन्स को जोग्राफिकली साउथ एशिया चाइना का शिनजियांग प्रोविंस सेंट्रल एशिया और मिडल ईस्ट जिसको बार दवा किताबों में वेस्टर्न एशिया लिखा होता है वेस्ट एशिया जहाँ भी लिखा होगा इसका मतलब मिडल ईस्ट होता है इनको कनेक्ट करता है लिहाजा पाकिस्तान की अहमियत ये है कि यहाँ पे सड़कें बने जो इन रीजन्स को कनेक्ट करें पाइपलाइंस हो जिसमें गैस भी जाए जिसमें तेल भी जाए और तजारत के लिए ये एक ऐसी राहदारी बनता है जिससे पाकिस्तान की अहमियत बढ़ती है सेंट्रल एशिया मसलन अगर अफगानिस्तान का मसला ना होता अफगानिस्तान का जो मसला पैदा हुआ फसाद हुआ उससे पहले बहुत सी कंपनियों की थिंकिंग ये थी खासकर जो मल्टीनेशनल नेशनल थी मग़रब की उनकी थिंकिंग ये थी कि वो इंडस्ट्री पाकिस्तान में लगाएंगे और यहाँ से फिर चीज़ें अफगानिस्तान अफगानिस्तान से सेंट्रल एशिया जाएंगे यानी ये रोड कनेक्शन है तो आज भी पाकिस्तान का मुस्तबिल यही है कि पाकिस्तान एक कनेक्शन बने इकतसादियात का इंसानी रिश्तों का इंसानी ताल्लुकात का और एक एनर्जी कॉरिडोर बन सकता है पाकिस्तान इस सिलसिले में चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की अहमियत बन जाती है और आप इससे इस कॉन्सेप्ट से चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जिस पे आजकल आज काम हो रहा है वो बड़ा अहमियत का हामिल हो जाता है कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर अगर ये कॉरिडोर मुकम्मल हो जाती है इसको मुकम्मल होने में आठ से दस साल अभी लगेंगे तकरीबन दो साल से इस पर काम हो रहा है डेढ़ साल से और जो प्रोजेक्ट है मौजूदा सूरत में कम, कम से कम 10 से 12 साल का है तो 8 से 10 साल अभी इसको मुकम्मल होने में लगेंगे लेकिन अगर ये मुकम्मल हो जाता है और पाकिस्तान में टेररिज्म को आप कंट्रोल कर लेते हैं तो ये जो कॉरिडोर है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर ये आपके लिए बहुत बड़ी इकतदी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है क्योंकि इससे सामान की आमदरफ़्त सामान का आना जाना तजारत का होना इंसानों का मूवमेंट मुव, एक मुल्क से दूसरे मुल्क जो है वो आसान हो जाती है और ये पाकिस्तान के लिए जो है ज़्यादा बेहतर एक है और यही पाकिस्तान का फ्यूचर है कि आज से सात आठ साल मजीद कह लें दस साल कह लें टोटल दस साल कह लें उस अरसे के अंदर ये कॉरिडोर मुकम्मल हो और उसके फिर इकतसदी फ़ायदे माशरे के हर लेवल पे आएंगे क्योंकि इकतसादियात में जो अहम चीज़ है कि माशरे का हर तबका फ़ायदा उठाए ये नहीं कि सिर्फ उम्रा बड़े लोग इख्तियारदार बल्कि आम आदमी को भी फायदा हो तभी आम आदमी किसी चीज़ की हमायत करता है तो जो चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर है अगर ये तकमील पर पहुँचती है जिसकी हमें उम्मीद है कि तकमील होगी क्योंकि चाइना भी डिटर्मेंड है और पाकिस्तान भी तो मुश्किल के बावजूद ये एक अपॉर्चुनिटी है लिहाजा यहाँ आप कह लीजिए के जोग्राफिया पाकिस्तान के लिए कुछ फ़ायद क्रिएट करता है लेकिन उन फायदे से अगर आपने वाकई फ़ायदा उठाना है तो ये डिसीज़न आपका है ये डिसीज़न पाकिस्तान की कौम का है ये डिसीजन पाकिस्तान की हकूमत का है जो फैसले करते हैं उनका है कि इस अपॉर्चुनिटी को मुकम्मल तौर पे हासिल करें ताकि लोगों की ज़िंदियाँ बेहतर हो जाएँ तो इस तरह आप देखते हैं कि जोग्राफ़ी आपके फ़ायदे के लिए काम कर सकता है जो हमें उम्मीद है कि चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर से पाकिस्तान को फ़ायदा पहुँचेगा एक और फैक्ट जो यहाँ जिसका तस्करा ज़रूरी है वो ये है कि दिफाई नुक़ नज़र से सिक्योरिटी और डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जोग्रफ़ी अहम होता है मसलन जब आप डिफेंस प्लानिंग करते हैं ये जो हमारी फ़ौज वाले डिफेंस प्लानिंग करते हैं उसमें एक चीज़ जो जहन में रखी जाती है कि जो आपके बॉर्डर्स हैं हिंदुस्तान से बॉर्डर अफगानिस्तान से ईरान वगैरह से जो ये बॉर्डर्स हैं इनकी नौीय क्या है किस किस्म के बॉर्डर्स हैं मसलन अगर पहाड़ हैं उस बॉर्डर को बेहतर समझा जाता है क्योंकि पहाड़ को क्रॉस करना आसान नहीं होता मसलन इंडिया और चीन का बॉर्डर इतने बुलंद पहाड़ हैं कि वहाँ आसानी से मिलिट्री ऑपरेशन नहीं हो सकता अच्छा दरिया है बाज़ जगह बॉर्डर जो हैं वो दरिया होते हैं बाज़ जगह बॉर्डर जो है वो नरे होते हैं तो ज़्यादा सिक्योर समझे जाते हैं जहाँ क्रॉस करना मुश्किल हो वो बॉर्डर महफूज समझा जाता है लेकिन हमारे बॉर्डर बहुत से बॉर्डर बिल्कुल सीधे हैं मसलन जो इंडिया से पंजाब में बॉर्डर्स हैं या इंडिया के के साथ जो सिंध में आपके बॉर्डर हैं वो बिल्कुल प्लेन हैं बिल्कुल सिंपल स्ट्रेट हैं जिसमें उन्होंने वो पिलर्स बना के बाद जगह हिंदुस्तान ने बाढ़ लगाई हुई है जो पंजाब का बॉर्डर है और जो लाइन ऑफ कंट्रोल है कश्मीर में वहाँ उन्होंने बाढ़ लगाई हुई है लेकिन बहुत सी जगह खुली हैं वहाँ पता ही नहीं लगता इसीलिए बहुत से लोग खासकर बच्चे जो हैं वो खेलते खेलते वो इंडिया की साइड पे चले जाते हैं वहाँ से वो पकड़े जाते हैं इसी तरह उनकी तरफ से लोग जो हैं बज दफ़ा पाकिस्तानी इलाके में आ गए पकड़े गए तो ये सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ को इतनी अच्छी समझी नहीं जाती जहाँ प्लेन बॉर्डर्स हों कि आप बड़ी आसानी से क्रॉस कर सकें तो जो आपकी डिफेंस या सिक्योरिटी पॉलिसी है वो हमेशा इस चीज़ को देख के बनाई जाती है कि अगर किसी नेबरिंग कंट्री से आपका झगड़ा है जिस तरह हिंदुस्तान से हमारे मसाइल हैं तो ऐसी सूरत में आप जो हैं वो किस तरह सिक्योरिटी करेंगे लिहाजा नेचुरल बैरियर्स हैं या नहीं हैं ये एक अहम सवाल है जो फॉरेन पॉलिसी वालों को और सिक्योरिटी को जो है वो डील करना पड़ता है और जो आखिरी पॉइंट जोग्रफ़ी के हिसाब से है वो यही है कि फूड प्रोडक्शन पाकिस्तान एक एग्रीकल्चरल कंट्री है प्रीडोमिनेंटली हम एग्रीकल्चरिस्ट स्टेट हैं और जैसा मैंने पहले आपसे कहा है कि पाकिस्तान की खुशकिस्मती है कि पाकिस्तान फूड डेफिसिट कंट्री नहीं है फूड डेफिसिट कंट्री होना बहुत बड़ी लाइबिलिटी होता है और अल्लाह का शुक्र है कि हम फूड डेफिसिट कंट्री नहीं है तो मैं अपनी गुफ्तु को यहाँ मैं ख़त्म करूँगा ताकि पंद्रह मिनट आपको सवाल जो आपके आ, मिल जाए तो मैंने जो आज गुफ्तु की है उसका अगर आपने दो चार एक मिनट में समरी करनी है तो बुनियादी तौर पर मेरा जो पॉइंट था कि जो हमारी हिस्ट्री जो है और उसको आपको एक तहजीब व तमदन के एक सिलसिले के तौर पे देखना पड़ता है तारीख कभी रुकती नहीं आज दो स्तारा है ज़ाहिर है ये आगे की तरफ ही जाएगी और अब तक जाती रही है लेकिन तारीख को एक खुले जहन से समझने की ज़रूरत है इसमें हमने ये नहीं करना होता कि ये फ़ैसला नहीं हम कर रहे होते कि क्या गलत है क्या सही है हम सिर्फ देख रहे होते हैं कि ये जो माशरा है ये जो अफराद हैं ये जो सरज़मीन है किस तरह कुछ किस्म के मनाजिल तय करते हुए किस्म के बादशाहों को देखते हुए किस्म की तब्दीलियों से गुजरते हुए आज यहाँ पहुँची है और जाहिर है आज खात्मा नहीं है ये इंसान ख़त्म हो जाता है लेकिन माशरा और कौमें जो हैं वो चलती रहती हैं लिहाज़ा हमें अपना एक कॉन्ट्रीब्यूशन देना है हमें एक एक रोल प्ले करना है उसके बाद और जनरेशन आएँगी जो अपना कॉन्ट्रीब्यूशन करेंगी और जो रिसोर्स आपके पास हैं ज्योग्राफी ने स्ट्रेंथ्स भी दी है वीकनेसेस भी दी हैं उनको सामने रख के जो है हमें अपने आज के फ़ैसले करने हैं माजी से सबक लीजिए माजी से कुछ चीज़ें हासिल करने की कोशिश कीजिए हम माजी के ग़ुलाम नहीं होते असल फैसले हाल में होते हैं और हाल ही के लोगों को करने होते हैं लेकिन माजी से सबक लेना हम सब के इंटरेस्ट में होता है थैंक यू